प्रकाशित वाक्य के छठवें अध्याय में हम मुहरों को खुलते हुए देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, लेकिन छठवीं के बाद सातवीं को इंक्लूड नहीं किया। उसी अध्याय में सातवीं मुहर भी आ सकती थी, और इसीलिए मैंने भी सोचा कि सातवीं मुहर अभी इतने जल्दी नहीं खोलना चाहिए, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पॉज देंगे। अब ये जो पॉज है, ये सातवें अध्याय का पॉज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस सातवें अध्याय को जरूर पढ़ा होगा, और शायद बार बार पढ़ा होगा। दो बार तीन बार में नहीं आया होगा तो आपने चौथी बार भी पढ़ लिया होगा। परंतु इसका सार अगर आप देखें तो बहुत आसान है, आप इसको दो सेक्शन में बांट सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि 144,000, यह एक भीड़ दिख रही है, 144,000 है तो भीड़ ही बोलूंगा, हालांकि बाद वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे तो पता लगेंगे भीड़ किसी और को बोलते हैं। तो ये काफी डिसिप्लिन्ड तरीके से लोग खड़े हैं कि जिनकी गिनती भी करना बड़ा आसान हो जाए। चलिए मैं बड़ी तेजी से पढ़ लेता हूं इस सातवें अध्याय को। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। मनुष्य जब पृथ्वी को देखता है, स्पेस में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट होते हैं, इन लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें भेजी है, पृथ्वी के दिन के समय और पृथ्वी की रात के समय की तस्वीरें, दोनों बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन किसी भी तस्वीर में ये चार स्वर्गदूत नजर नहीं आते हैं। ये मेरी इन आंखों से, शारीरिक आंखों से या किसी कैमरे की पकड़ में स्वर्गदूत आने वाले नहीं है। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि स्वर्ग की फोटो ले ले, परमेश्वर की और स्वर्गदूतों की फोटो ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कैमरा तो नहीं बना। चार स्वर्गदूत चार कोने में खड़े, मतलब पृथ्वी को लगभग घेर के खड़े हैं। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। इन चारों ने अपना काम तो शुरू करके रखा हुआ है, और फिलहाल उनका काम क्या है, वे हवाओं को शब्द पर गौर करते जाना, यही शब्द आपको बाइबल में 10 जगह और मिलते हैं। मेरा इशारा अगर किसी ने समझ लिया होगा तो वह अभी से सहमने लगा होगा, थोड़े से डर आने लगता है कि हवाओं को थामे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर बताता हूं। वे हवाओं को क्यों थामे हैं मालूम है? ताकि पृथ्वी पर या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। उन्होंने हवा को थाम के रखा है ताकि यह हवा न चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को, अब एक पांचवा स्वर्गदूत आ रहा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब दिशा से ऊपर की ओर आते हुए देखा। अब एक पांचवा स्वर्गदूत जो नजर आ रहा है वो परमेश्वर के पास से आ रहा है, और परमेश्वर के पास से एक मुहर लेकर आ रहा है, एक कुछ ऐसी वस्तु लेकर के दिख रहा है उसके हाथ में जो मुहर के समान है। मैंने पिछले संदेशों में आपको मुहर के बारे में डिटेल बता दिया था। और वो जब आता है, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ये चार स्वर्गदूत जो खड़े हैं, पृथ्वी को घेर के खड़े हैं, इनके पास में एक भयानक अधिकार है, और वो भयानक अधिकार क्या है? पृथ्वी पर विपत्ति। उनके पास क्या अधिकार है? पृथ्वी पर समुद्र में विपत्ति, और सारे प्राणी जो है, वन जो है, जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उन पर विपत्ति डाल सकते हैं। परंतु इस पांचवें स्वर्गदूत ने उनसे कहा, रुक जाओ, और जब हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी को और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना।
उन्होंने उनको भी पॉज करने को, टेम्पररी शांत रहो कहा। ये लोग कर क्या रहे थे, देखिए ये चार स्वर्गदूत चार कोनों में खड़े हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा न चले। परंतु उनसे कहा थोड़ी देर और रुके रहो और उसके बाद आप अपना काम करना। इसका मतलब उन्होंने जो थाम करके रखा था, जो चार दिशाओं से आकर के पृथ्वी पर कवर करना चाहते, जो चार दिशाओं से आके समुद्र पर ठोस लगाना चाहते, जो चार दिशाओं से आकर के हरियाली को खत्म करना चाहते हैं, उनको उन्होंने थाम के रखा है, उन्होंने उनको पकड़ के रखा है। अब आप समझे हवाओं का मतलब क्या होता है। तो परमेश्वर ने यहां पर उन चार अधिकारियों को रख दिया और अब पांचवा अधिकारी इन चारों के बीच से पृथ्वी पर उतरता है और उसने अपना काम बताया कि मुझे परमेश्वर के दासों के माथे पर एक मोहर लगाने दे और जब तक मैं मेरा काम पूरा नहीं करूंगा विपत्ति आना नहीं चाहिए। समझ गए आप। अभी तक हम लोग देख रहे थे एक दो तीन चार पांच छह एक के बाद एक विपत्तियां आ रही थी, लेकिन छठवीं विपत्ति के बाद में अचानक वो कहता है कि रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, पहले मेरे को एक जरूरी काम करना है। तो सातवें अध्याय में हम देखते हैं, छठवीं विपत्ति के बाद में हम देखते हैं कि उसने लोगों पर मुहर लगाना शुरू किया। अब ये चुने हुए लोग हैं, कुछ खास प्रकार के लोग हैं जिन पर मुहर दी गई। मैंने उनकी गिनती भी सुनी बहुत स्पष्ट रीति से, जैसे कि कॉल आउट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स लोगों का टीचर जैसे अटेंडेंस लेती हो, वो उनका नंबर पुकारती, नाम पुकारती, वैसे उनकी गिनती ली जा रही है। और जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है तो एक एक सेक्शन कंप्लीट होता है। इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई, 1,44,000। अब उसके बाद में 5, 6, 7 और 8 जो है ये उनके डिवीजनों को बताया है कि 12,000 इस रीति से चला आया है और ये 1,44,000 हुए हैं। अब इसलिए कि ये इज़राइल की संतान और इसलिए कि ये 12 गोत्रों में से है, मैं उस ज्ञान में अभी आपको नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको दिखाई देगी। जैसे कि उसमें आपको एक नाम ऐसा भी दिखेगा जो याकूब का बेटा ही नहीं है, और एक जो याकूब का बेटा है उसका नाम वहां से काट दिया गया है। पर ज्ञान नहीं बढ़ाना, हम अपनी भीड़ की तरफ आते हैं, ठीक है, हम 9वें वचन पर आते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां ली हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। अब मुझे बताइए कि ये दोनों दृश्य कहां चल रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ हुआ उसका जो सीन है वो किस क्षेत्र में हुआ, और ये जो सेकंड वाली भीड़ है ये कहां दिख रही है यूहन्ना को। पहली घटना जो सातवें अध्याय में लिखी है वो पृथ्वी पर हो रही है, लेकिन इसके बाद में जब नजर किया तो मैंने 144,000 की भीड़ को सफेद कपड़ों में नहीं देखा, परंतु यहां पर लिखा है मैंने फिर एक बार सिंहासन की तरफ देखा। जब तक ये 6 विपत्तियों की बात चल रही थी, फिर बाद में 7वें अध्याय में 4 स्वर्गदूत दिखाए, पृथ्वी दिखाए, 5वां स्वर्गदूत ऊपर से आया, उसने सब पर मुहर लगा दी और गिनती हो गई 12,000 सब के लेकर के 1,44,000, और फिर वो स्वर्गदूत चला गया। और अब ये चारों स्वर्गदूतों के पास में जो अधिकार है उसका इस्तेमाल होने वाला है, पर वो होने के पहले यूहन्ना बताता है मैंने फिर से एक बार स्वर्ग की तरफ देखा, मैंने स्वर्ग में सिंहासन को देखा, और अब की बार सिंहासन पर जो विराजमान है और प्रभु यीशु जो मेमना है और वो चार प्राणी हैं और वो 24 प्राचीन हैं और वो स्वर्गदूत हैं, उनके अलावा अब मैंने कुछ और देखा है, और वो कुछ और कौन है।
इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, मैंने इस शब्द को भी आपको बता दिया है कि दृष्टि करना और देखना, और दृष्टि करना और वो कह रहा है देखो, मतलब मेरा और आपका ध्यान खींच रहा है और वो कह रहा है तुम भी देखो। आंखों देखी खबरें है ना, विश्वसनीय जो होती है, आप कानों से सुनी हुई खबर पे विश्वास करेंगे या आंखों से देखी हुई? यहां तो आंखों देखी हुई भी है, और उन बातों को जब यूहन्ना लिख करके बारीकी से डिटेल से बता रहा है तो वास्तव में वो हमको उस स्थान पर ले जाके खड़ा कर रहा है। और जैसे यूहन्ना से कहा गया था देख ले, यूहन्ना हमको कहता है देख लो। तो उसने अपने तरफ से सारी बातों का एकदम स्पष्ट और सही और सटीक वर्णन किया है, इसलिए वो कह रहा है तुम भी देखो। तो चलिए देखते हैं। हर एक जाति, जो पहली घटना हुई थी वो तो केवल इज़राइलियों को लेकर के थी, याकूब के बच्चे या इज़राइल के बच्चों को लेकर के थी, 12 गोत्रों की बातें चल रही थी। लेकिन अब जब वो कर रहा है, वो हर एक जाति कह रहा है। अगर आप अंग्रेजी में इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां ऑल नेशंस लिखा है, यानी जितने राष्ट्र हैं पूरी पृथ्वी पर फैले हुए उन सब में से, और लिखा है हर एक कुल में से, यानी हर एक राष्ट्र में भी आप देखेंगे ना, हमारे भारत देश में भी आप देख लेंगे तो आपको इसमें भी कई कुल ऐसे मिल जाएंगे, हर एक की अपनी अपनी एक लाइनेज है वो मिल जाएंगे, और हर प्रकार के लोग हैं, और लिखा है हर एक भाषा। कभी गौर किया आपने इस बात पर, हर एक भाषा? मेरे एक दो मित्र हैं, वो बताते हैं भैया कि संस्कृत सीख लो क्योंकि स्वर्ग जाएंगे तो वहां संस्कृत होगा, वहां वो भाषा बोलनी पड़ेगी। तो कुछ मित्रों ने बताया कि नहीं, हमको हिब्रू सीख लेना चाहिए क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो हिब्रू बोलना पड़ेगा, वहां की भाषा हिब्रू है। लेकिन जब यूहन्ना बता रहा है कि यहां हर भाषा के बोलने वाले लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसने स्वर्ग में हिंदी बोलने वालों को भी देखा होगा, सुना होगा कि यहां पर हिंदी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले हैं, उड़िया बोल रहे, गुजराती बोल रहे, छत्तीसगढ़ी बोल रहे, अलग अलग भाषा के, और सब सब शब्द है वहां पर, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा में से एक ऐसी भीड़। ये शब्द देखा आपने, ऐसी भीड़ के पहले क्या लिखा है, एक। प्रारंभिक कलीसिया जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार की हुआ करती थी। मैं इन दिनों में जवान बच्चों के साथ में इस प्रकार से ले रहा था, मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके चौथे अध्याय और उसके 32वें वचन को बता रहा हूं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में का था, कॉमन था, एक मन, अलग अलग लोग। देखिए पहले ही दिन तो पतरस ने जब सुसमाचार सुनाया तो 3,000 लोग आ गए, फिर एक और घटना घटी, फिर 5,000 हो गए, फिर उसके बाद में एक और घटना, ऐसे करते करते, और लिखा है प्रतिदिन परमेश्वर इस कलीसिया में लोगों को जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है और जोड़ता जा रहा है। इतने असंख्य लोग हो गए लेकिन एक मन के। आज स्वर्ग में जो भीड़ यूहन्ना देख रहा है वो बहुत बड़ी भीड़ है, और मालूम है उसके लिए क्या लिखा है, इनकी संख्या नहीं बता पा रहा। पहले वाले ग्रुप की, इसराइलियों की जब गिनती हुई तो वो संख्या बता दिया 1,44,000। इसका मतलब ये 1,44,000 नहीं है, ज्यादा है, 2,88,000 नहीं, वो भी रहता तो भी बता देता, या फिर 11,00,000 कुछ ऐसा होता नहीं, वो भी बता देता, यानी ये बहुत 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 बड़ी संख्या है। लेकिन इसके बाद भी वो भीड़ के सामने कहता है एक। मैं और आप इस भीड़ में शामिल हैं, यदि हम आज की भीड़ में एक हैं,
यदि आज की कलीसिया में हम एक मन रखते हैं, हम झगड़ा करने वाली कलीसियाओं में नहीं, हम उस झुंड में नहीं है जो कलीसियाओं में झगड़े लगाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, चिल्लाते हैं, अपने भाई और बहनों के विरुद्ध में कुछ बोल जाते हैं, वो लोग नहीं खड़े हैं इस भीड़ में, ये ध्यान रखना। अब कलीसिया से पहले परिवार भी आता है, परिवार में भी आपस में अगर झगड़े चल रहे हैं तो आपकी गिनती नहीं हो रही है इस भीड़ में। ये बहुत भयानक शब्द है। एक मन के लोग होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं विश्वास कर लेता फिर उससे मुंह मोड़ कर ऐसे हो गए, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता, दो झगड़ा करने वाले स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है स्वर्ग में जाकर के आजू बाजू की सीट मिल जाएंगी इन दोनों को, तो स्वर्ग में भी ऐसे मुंह बांध करके दूसरी तरफ देख रहा, इधर वाला उधर देख रहा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये नहीं होने वाला। हम लोग अपने आप को बड़ी आसानी से उस भीड़ में शामिल करवा लेते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य को अगर बहुत गौर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब वास्तव में हमारा असेसमेंट होता है कि क्या मैं उस भीड़ में शामिल हूं। जानकर तो बड़ा अच्छा लगा कि सब प्रकार के लोग हैं, सब देशों के लोग हैं, सब भाषाओं के लोग हैं, लेकिन अगर मैं गौर करता हूं तो ये एक मन के लोग हैं। और यदि एक मन वाली बात अभी तक मेरे घर में नहीं आई, मेरे परिवार में नहीं आई, तो हम चारों नहीं जाने वाले। आपके घर में अगर आठ लोग हैं और आपके घर में झगड़े होते हैं, अपनी गिनती मत करिएगा इसमें। आपकी कलीसिया में अगर टूट फूट है, लोग एक दूसरे को सताते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, अपने ही अगुओं के अगेंस्ट, अपने पास्टरों के अगेंस्ट कुछ बोलते रहते हैं, ये वो वाली भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो एक मन की है, और उनका एक मन कहां पर फोकस्ड है, कहां ध्यान है उनका, आप आगे देखेंगे तो सारी बातें बड़ी खुल करके आती हैं, और तब हम जान जाते हैं कि यहां जाने का है हमको, है ना। ये देखिए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। अब ये श्वेत वस्त्र को लेकर के कई लोगों के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि अभी अभी हमने जब पांचवी मुहर खोली थी तो वहां पर हम लोगों ने कुछ लोगों को देखा था। देखिए, मैं छठवें अध्याय के नौवें वचन से आगे तेजी से पढ़ लेता हूं। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और इस वजह से लोग समझते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने कहा था कि थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। तो सातवें अध्याय में शायद ये गिनती पूरी हो जा रही है। एक मिनट, ये भीड़ जो है ये गिन नहीं सकते, और ऊपर बात लिखी है जिनकी गिनती पूरी हो जाए, मतलब परमेश्वर ने भी सोच के रखा है ये वाली संख्या यहां तक आएगी जो छठवें अध्याय में मिलती है। फिर श्वेत वस्त्र से एक और बात याद आ गई। आपने दूसरा और तीसरे अध्याय का बड़ा जोरदार मनन किया था, उसमें से मैं आपको तीसरे अध्याय में सर्दीस की कलीसिया में लेकर चलता हूं। सर्दीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, जिसके पास परमेश्वर की सात आत्मा और सात तारे, वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटाने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा। चौथा वचन, परंतु हां, सर्दीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं।
जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तो यहां पर एक कलीसिया को बहुत जोर के फटकार लगी है और बताया जा रहा है तू परमेश्वर के लिए जो भी कुछ करना चाहता है पूरा करता ही नहीं है। तू परमेश्वर के लिए काम तो शुरू करता है पर उसे कंप्लीट नहीं करता। तेरे प्रेम में भी बड़ा अजीब सी ठंडापन है। तू कह रहा है करूंगा पर करता नहीं है। अब देख मैं अचानक जब आ जाऊंगा तो तेरे अधूरे काम के कारण तुझको इनाम नहीं मिलेगा, परंतु हां तेरी कलीसिया में कुछ लोग मिल गए मुझको जिन्होंने अभी भी अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। यहां शब्द पर गौर करना, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र, अपने अपने का क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए यहां पर एक ही बार लिखा होता जिन्होंने, सर्दीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे योग्य है। अगर इस प्रकार से लिखते तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होता, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा यहां वे लोग मिल गए मुझको जो अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, इसका यह मतलब है कि हम में से प्रत्येक जन इंडिविजुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर themselves। बहुत से बच्चे बड़े निर्भर रहते हैं अपने मां बाप पर और फिर एक दिन आता है जब वे बड़े हो जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वे चर्च में बड़े हो जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वे प्रभु भोजन में शामिल होने लग जाते हैं। ये स्पिरिचुअली वो घड़ी है जब एक बच्चा परमेश्वर की कलीसिया की दृष्टि में जवान हो गया है और अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। कई बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है कि ये जो प्रभु भोजन लेना जब शुरू करते हैं तो वास्तव में क्या है, माता पिता की कौन सी जिम्मेदारी खत्म हो रही है? तो माता पिता इस प्रकार से बताते हैं कभी कभी कि भैया तुम जितने बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम जितने भी गलत काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे एक एक गलत काम का एक एक कोयला मेरे नाम पे जमा होता जा रहा है और वो जमा होता जा रहा। तुम जितने पाप करोगे वो सब मम्मा पप्पा के लिए, उनको नरक में जलाने के लिए कोयला जमा हो रहा है। लेकिन जिस दिन से तुमने प्रभु भोजन लेना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू में शामिल होना शुरू कर दिया, उस दिन से वो कोयले अब हमारे नाम पे जमा नहीं होंगे, अब वो तुम्हारे नाम पे जमा होंगे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वासी को, हर एक को अपने अपने वस्त्र शुद्ध रखने हैं। ये थोड़ा बड़ा विषय है अपने वस्त्रों को शुद्ध करना या शुद्ध रखना, पर मैं एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग प्रतिदिन स्नान करके एक नया कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छे कपड़ों में घूमना। पास्टर को जब भी आपने वेदी पर देखा तो एक सफेद रंग के सुटान में देखा, और लाइट का अरेंजमेंट अगर सही हो तो वो जगमगाता हुआ भी दिखा होगा। पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय 16 वचन और छठवां अध्याय 19 वचन इसी बात को दोहराता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये घर है, और इस देह में आकर के परमेश्वर निवास करता है, इस देह के अंदर आके। तो जो वास्तविकता है जहां पर परमेश्वर का आत्मा आकर रहता है वो हूं मैं, यानी मेरा मैं एक्चुअली अंदर रहता है, मेरा प्राण अंदर रहता है, मेरा आत्मा अंदर रहता है, और जो ऊपर दिख रहा है ये जो चमड़ा दिख रहा है, ये जो चेहरा दिख रहा है, ये वास्तव में वस्त्र हुआ। तो मेरा जो शरीर है वो वस्त्र है, और बाइबल हमसे कह रही है कि खबरदार तुम अपने शरीर को, कपड़ा नहीं है, अपने शरीर को अशुद्ध मत करना। यदि अशुद्ध करते हो तो परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य नहीं पाए जा रहे हैं। परंतु यहां कुछ लोग मिले जिन्होंने अपनी देह को शुद्ध रखा और उस शुद्ध देह के ऊपर पहनने के लिए परमेश्वर ने उनको श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र प्रदान किया। अब यहां पर जो भीड़ खड़ी है उसके बारे में कुछ और बात सुनते हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं और सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े।
सिंहासन और सिंहासन के साथ में मेमना प्रभु यीशु वहां पर खड़े हैं और उनके सामने ये भीड़ है। ये चार प्राणियों के सामने झुकने वाली भीड़ नहीं है, ये 24 प्राचीनों को नमन करने वाली भीड़ नहीं है, परंतु केवल सामने दो लोग दिख रहे हैं और वो है सिंहासन पर विराजमान जो है वो सिंहासन और मेमना प्रभु यीशु, और उनके हाथ में खजूर की डाली है। और आज फेलोशिप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको मालूम है खजूर की डालियां क्या होती है। खजूर की डालियां वो होती हैं जब प्रभु यीशु अपनी सवारी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए कि हम कितने करीब आ गए हैं उस स्थान के, उस समय के, जब प्रभु यीशु अपनी सवारी पर बैठकर नए यरूशलेम के। अब आप देखिए ये जुलूस जो है ये गधे पर का नहीं है, जो एक दिन प्रभु यीशु ने प्रवेश किया था और मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, परंतु आज खजूर की डालियां उस तैयारी को बता रही हैं, उस भीड़ को बता रही हैं जो जैतून पर्वत से लेकर यरूशलेम के मंदिर तक एक भीड़ थी। और मालूम है उस भीड़ में जो बड़े लोग थे वो तो प्रश्न उठा रहे थे, ऑब्जेक्शन ले रहे थे, कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये बच्चों को चुप करा दे। बच्चों से तात्पर्य है मासूम लोग, शुद्ध मन के लोग। आज हम जिस भीड़ को देख रहे हैं ये शुद्ध मन की है, जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं। और प्रभु यीशु ने उस समय भी कहा था कि मैं यदि इन बच्चों को चुप करा देता हूं तो पत्थर बोल पड़ेंगे, पर ये जुलूस जारी रहेगा। ये समय हो गया है कि एक बार खजूर की डालियां, और ये खजूर की डालियां अब उस मसीहा के लिए नहीं जो बलिदान होने वाला है, परंतु बलिदान होने के बाद जो जीवित हुआ और अब अपनी शांति को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए आने वाला है। इस प्रकार से वे तैयार खड़े हैं। 10वें वचन में लिखा है बड़े शब्द से, बड़े जोर से, एक तो वैसे ही अनगिनत लोग हैं, बड़ी संख्या के लोग हैं, और वे जोर से पुकार के कहते हैं उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का, जय जयकार। अब आप समझ गए ये भीड़ कौन सी है। इस भीड़ ने एक धन्यवाद का वाक्य कहा है और परमेश्वर को जय जयकार कर रहे हैं, और वे किस बात के लिए कर रहे हैं, उद्धार के लिए। उद्धार के प्राप्त करने वाले इस प्रकार से कह रहे हैं कि परमेश्वर का जय जयकार, साथ ही साथ जो सिंहासन पर बैठा है जय जयकार, और मेमने का जय जयकार। इस प्रकार से जय घोष कर रहे हैं, हाथ में खजूर की डालियां हैं और वो हिला रहे हैं, यानी जय मिल चुकी है। साधारणतः पुराने नियम में ऐसा होता था कि राजा जब युद्ध करके लौटता था तब वो प्रजा के लोग खजूर की डालियों से राजा का और सेना का वे लोग स्वागत करते थे, युद्ध पर जाते समय नहीं परंतु जीत कर जब आया करते थे। तो जीत हो चुकी है और अब एक जुलूस है, एक आनंद का जुलूस है जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। और सारे स्वर्ग दूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। तो इन लोगों के जय जयकार के लिए भी उन्होंने आमीन कहा और अपनी रीति के अनुसार भी उन्होंने वही वाक्य रिपीट किया, फिर एक बार झुके, फिर एक बार अपने सोने के मुकुट को जमीन पर रख दिया और परमेश्वर के सामने दंडवत किया। अब यूहन्ना के मन में ये प्रश्न बिल्कुल उस तरह से जैसे मेरे और आपके मन में आता है कि आखिरकार ये भीड़ है कौन। तो अगला वचन लिखा है इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, 24 प्राचीन बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं, वो यूहन्ना से आते हैं और पास से बोलते तूने देखा इस भीड़ को, हाँ 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 मालूम है ये कौन है। तो यूहन्ना कह देता है मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है मैं नहीं जानता। तो बड़े आदर पूर्वक उस प्राचीन को रिस्पेक्टफुली कहता है हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं
जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके शुद्ध किया है। एक वाक्य में बिल्कुल सरल तरीके से उत्तर मिल गया। ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, मतलब ये स्वर्गदूत नहीं देख रहा है तू, ये सफेद सफेद कपड़ों में असंख्य लोग जो दिख रहे हैं। हम लोगों को रात के समय या आसमान में कुछ सफेद दिख जाए तो एकदम से स्वर्गदूत ही दिख रहा है कह देते हैं। कई बार रात को आपने बगुलों को उड़ते हुए देखा होगा, सफेद बगुले जब उड़ के जाते हैं तो कई लोग देख के ऊपर सोचते हैं हमने स्वर्गदूतों को देख लिया। यहां पर यूहन्ना देख रहा है और बोल रहा है स्वर्ग में है तो शायद स्वर्गदूत होंगे। उसने कहा नहीं, स्वर्गदूत नहीं, ये तो पृथ्वी पर से आए। पृथ्वी पर से आए क्योंकि लिखा है ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आप समझिए इस बात को, पृथ्वी पर क्लेश शुरू हो गया और महाक्लेश अब शुरू ही होने वाला है, लेकिन उसी में से निकल करके आ गए। यानी महाक्लेश इन लोगों को छू भी नहीं पाया और ये लोग उसमें से एस्केप होकर के आ गए। ये लोगों को मान लो उठा लिया गया और परमेश्वर ने अपने लोगों को, उद्धार प्राप्त लोगों को, वहां पर वो शब्द आया है क्योंकि उन्होंने उद्धार के लिए थैंक यू बोला, और फिर लिखा है महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने, सी दैट वर्ड, अपने अपने। मैं अगर बच्चे और जवान लोग सुन रहे हैं तो उनसे कहना चाहूंगा अपने मम्मी के ऊपर और अपने पप्पा के ऊपर मत डाल देना कि मेरे मम्मा पप्पा बहुत प्रेयर करने वाले हैं तो हम बच जाएंगे, या आप लोग भी ऐसा मत समझना कि हमारे पास्टर बहुत पावरफुल है तो कलीसिया के सारे लोग ऑटोमेटिकली जाने वाले हैं स्वर्ग। ऐसा नहीं है, अपने अपने, हमने यही शब्द पहले भी देखा था, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर के श्वेत किया है। देखिए श्वेत वस्त्र अब दो प्रकार के हैं, एक वे हैं जिनको प्रदान किया गया है, ये एक ओहदा है, ये एक इनाम है। जब मैंने अपनी रेस को कंप्लीट किया, मैं उस पर स्थिर रहा, मैंने उस पर पूरा काम करके बताया है, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा, और फिर उन लोगों को श्वेत वस्त्र स्वर्ग से प्रदान किए जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है इन लोगों ने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किए हैं। ये वे मनुष्य हैं जो संसार में जी रहे थे, मेरे और आप में से कोई लोग हैं इसमें, और ये लोगों ने प्रभु के नाम से उद्धार पाया है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो करके श्वेत कर लिया है, शुद्ध कर लिया है और पवित्र कर लिया है। ये वो भीड़ है जो वास्तव में प्रभु के सामने खड़ी है। अब मैं इस तस्वीर को थोड़ी देर के लिए हटाकर आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये भीड़ कहां खड़ी है? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कैसा है? वो पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? केवल पवित्र जन। सिंहासन के सामने यीशु है, पवित्र है। सिंहासन के सामने चार प्राणी हैं, 24 प्राचीन हैं। यदि मैं इस तस्वीर को संसार में देखना चाहूं तो आपको मालूम है मिलाप वाला तंबू जो था उसमें सबसे भीतर का स्थान था वो केवल पवित्र स्थान नहीं कहलाता था परंतु परम पवित्र स्थान कहलाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर आकर के रुकता था, परमेश्वर वहां पर उतर के आ जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती थी, इसीलिए वो परम पवित्र स्थान। जब परमेश्वर पहाड़ पर से था, पहाड़ पर रह करके बातें करना चाह रहा था, आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि गरजने की आवाज, बिजलियां और खूब भयानक दृश्य, परमेश्वर पहाड़ पर उतर आया था। और उस पहाड़ पर चढ़ने की या उससे मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति को चुना गया था जो आकर परमेश्वर से बात करेगा, मूसा, और बाकी सब के लिए लिखा गया था कि इनको आने मत देना परंतु बाड़ा बांध लेना, नहीं तो अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये मर जाएंगे, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, चाहे वो चुने हुए भी क्यों ना हो, जो चुने हुए खास लोग चुना था उसने, उनमें से भी अगर होंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे।
परमेश्वर ने वहां पर पवित्रता की बात की थी। मनुष्य की अशुद्धता के कारण मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज जो भीड़ परमेश्वर के सामने खड़ी है वो शुद्ध और पवित्र की गई है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा। और यही व्यवस्था पुराने नियम से परमेश्वर हमें देता आ रहा है। वो चाहता है कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें। आपको जानकर यह भी बड़ा अजीब लगेगा कि परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक जा सकता था, और उसके लिए जब हारून का अभिषेक जिस दिन हुआ था तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कह देना कि तू महायाजक तो बन गया पर जब मन चाहे परम पवित्र स्थान में नहीं आ सकता। यानी महायाजक के लिए भी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना वर्जित था। परमेश्वर ने कहा अगर वो ऐसा करता है तो वो भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और इसी के लिए प्रवेश मत कर। यदि आप परमेश्वर को देखते हैं और उसके सिंहासन को देखते हैं, जैसे आपने चौथे अध्याय में पढ़ा, चौथे अध्याय उसके आठवें वचन में लिखा है, चारों प्राणियों के छह छह पंख और चारों और भीतर आंखें आंखें और रात दिन बिना विश्राम लिए क्या कहते रहते हैं, लगातार 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 स्वर्ग में एक स्वर चल रहा है, एक एक गूंज चल रही है, और वो है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। कंटिन्यूअसली लिखा है, लगातार 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 यह शब्द गूंज रहा है। यदि आपने यशया नबी के पुस्तक और उसके छठवें अध्याय में उस दर्शन को देखा है जब यशया स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़ा है और वो रोने लगता है कि हाय मैं अशुद्ध होठों का हूं, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। मतलब एक अशुद्ध जन परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन यह भीड़ खड़ी है, इसलिए खड़ी है क्योंकि मेमने के लहू से धुल करके शुद्ध होकर उद्धार को प्राप्त किए। परमेश्वर के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। परमेश्वर के भीतर दयालु है, न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप इतने सारे शब्दों में से मुझे एक शब्द बता दीजिए कोई पवित्र छोड़कर जिसे आप साधारणता रिपीट करते होंगे। कहने का मतलब यहां पर परमेश्वर को जब एड्रेस किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं पवित्र 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 परमेश्वर। और आपने अपनी प्रार्थना में कभी ना कभी पवित्र 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 परमेश्वर जरूर बोला होगा। लेकिन क्या कभी आप सर्वशक्तिमान 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 परमेश्वर ऐसा सुना है? मैंने नहीं सुना। सर्वशक्तिमान शब्द शायद थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा शब्द लेता हूं, दो अक्षर का शब्द है प्रेमी परमेश्वर। मैंने तो यह भी नहीं सुना कि कोई प्रार्थना करके कह रहा प्रेमी 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 परमेश्वर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की पवित्रता बढ़ करके है, उसकी सबसे बड़ी खूबी पवित्रता है और परमेश्वर के स्वरूप में पवित्रता है। अब मैं आपको उत्पत्ति 1:27 में ले चलता हूं। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में सजा, और वो स्वरूप में होने के कारण परमेश्वर और आदम और नारी, नर नारी दोनों के दोनों पिता के सामने खड़े रह सकते थे, परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते थे, क्योंकि वे उसी स्वरूप में थे, क्योंकि वे अपने अंदर वही शुद्धता और वही पवित्रता रखते थे जो परमेश्वर की थी। और जिस दिन उन्होंने इस पवित्रता को खो दिया उस दिन परमेश्वर के सामने से दूर कर दिए गए। इसका यह मतलब है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। मैं इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको अपने साथ में। मैं निर्गमन के आपको 15वें अध्याय के पास ले चलता हूं। निर्गमन में अगर आप 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक देखेंगे तो विपत्तियां चल रही हैं। यह भी एक रोचक बात है। देखिए, इजरायली लोग मिस्र में बंधुआई में थे। मिस्र शब्द का मतलब है अंधकार, पाप, और पाप की बंधुआई में थे। अब वहां से छूटने के समय में क्या हुआ, विपत्तियां आ रही हैं। वहां से छूटते समय विपत्तियां आ रही हैं, और जब विपत्तियां आ रही हैं तो एक बात ध्यान रखना, विपत्तियां परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर नहीं आ रही है। अंधकार जो आया वो मिस्र पर आया, इज़राइल पर नहीं आया। अब देखिए, इन विपत्तियों में आप परमेश्वर का कौन सा गुण देखते हैं? सर्वशक्तिमान, है ना।
परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है ऐसा करके हम लोगों को नजर आता है। और फिर उसके बाद अगर आप 14वें अध्याय में आए तो और भी प्रतापी काम नजर आता है। समंदर सामने आ गया और पीछे सेना है। परमेश्वर ने समुंदर में से रास्ता बना दिया सर्वशक्तिमान। सारे इजरायली उसमें से निकल करके पार चले गए, बच गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इजरायली लोगों ने जब आने की, उनकी पीछा करने की और उनको मार डालने की कोशिश करी तो समुद्र के बीच में जब वे थे तो समुद्र बंद हो गया और सारे दुश्मन नाश हो गए। परमेश्वर का वचन कि आज तू जिनको देख रहा है तेरे को नाश करने वाले लोगों को, कल इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। अब ये सब के सब डूब मरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये 14वें अध्याय की घटना है। और 15वें अध्याय में होता क्या है, मूसा परमेश्वर की स्तुति में गीत गा रहा है। और परमेश्वर की स्तुति में देखिए वो क्या कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। फिर उसके बाद में दो चार वाक्य उसने कहा। फिर थोड़ी देर के बाद में वो फिर से कहता है परमेश्वर महाप्रतापी है क्योंकि उसने ये किया। फिर कहा परमेश्वर महाप्रतापी है, फिर उसने ये किया। अब देखिए 11वें वचन की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। यानी गिनाने के लिए कितने सारे काम थे जिसको बोल करके वो कह सकता है कि इसके कारण, समंदर के दो टुकड़े करने के कारण, हम सबको वहां से निकालते तक समंदर को रोक के रखने के कारण, सूखी भूमि दिखाने के कारण, हम में से कोई भी वहां दलदल में नहीं फंसा, रेत में नहीं फंसा, तू बड़ा महाप्रतापी है। ऐसा नहीं, ना ही मिस्री लोग मर गए इसलिए आप बड़े अच्छे हैं प्रभु। लेकिन वो कहता है आप पवित्रता के कारण महाप्रतापी हैं। मैं वास्तव में परमेश्वर के इस गुण को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुली बताना चाहता हूं। जब तक हमने परमेश्वर के इस गुण को स्वीकार नहीं किया तब तक हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने की बात की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर के सामने खड़े रहना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र से क्यों निकाला? लोगों को यह तो मालूम है कि 40 साल जंगलों में क्यों फिराया, है ना? परमेश्वर ने अपनी प्रजा को 40 साल तक क्यों घुमाया फिराया? उनको नम्र बना रहा था, वो उनको सेनाओं से बचा रहा था। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें मिस्र से क्यों निकाला, और इसके लिए वो बताता है कि मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाल करके लाया हूं कि तुम मुझे जानो और मेरे साथ रहो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये तीन अलग अलग चैप्टर्स में मुझको मिलते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है। मैं आपको 11वें अध्याय का रेफरेंस बताता हूं, 11 और उसके 45वें वचन को देखिए क्या लिखा है। ले व्यवस्था 11 45वां वचन, क्योंकि मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल लेकर के आया हूं ताकि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, अब तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब आप अपने जीवन को इसके साथ में रिलेट करिए, क्योंकि मैंने बता दिया मिस्र क्या है। मेरे जिंदगी का पुराना कल का जीवन जो मैं पाप में और अंधेरे में बिताता था, परमेश्वर जब वहां से मुझको निकालता है तो क्यों निकालता है? ताकि मैं अपने परमेश्वर को जानूं। और फिर उसके बाद पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसका मतलब मिस्र से निकलना मेरी जीत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, जिस दिन उन्होंने पश्चाताप के आंसू बहाए उनको लगता मेरा उद्धार हो गया, जिस दिन उन्होंने बोला प्रभु यीशु प्लीज मेरे पाप क्षमा कर दीजिए मेरा उद्धार हो गया, ऐसा समझ लेते हैं। जब आप मिस्र में से निकले तो एक बात ध्यान देना, मिस्र से जिस दिन इजरायली निकले वे कनान नहीं पहुंचे। हमें कनान पहुंचना है। मिस्र से निकलना एक बात होती है, 40 साल का सफर करना एक बात होती है, नम्र बनना एक बात होती है, परमेश्वर को जानना एक बात होती है, और उसमें भी 40 साल आप सिर्फ एक ही बात जानेंगे, परमेश्वर पवित्र है।
है ना, प्रतापी होने के बाद भी मूसा यही कहता है आप महाप्रतापी इसलिए क्योंकि आप पवित्र हैं, पवित्र 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 परमेश्वर। और यह पवित्र परमेश्वर का जब मैं जानकार हो जाता हूं, मालूम है कितने लोग, 6 लाख से भी ज्यादा लोग निकले थे और उसमें से केवल 2 लोग पहुंच पाए कनान में, केवल 2 लोग पहुंचे। जो मिस्र से निकले थे और कनान तक पहुंचे वो केवल 2 लोग हैं। मैं आपको थोड़ी देर में वो भी वचन बताऊंगा जहां प्रभु यीशु ने कहा कि इतने कम लोग कैसे आ रहे हैं। तो 3 घटनाएं हैं, एक तो भूतकाल की है, पास्ट टेंस, मेरा कल जो मैंने पाप में बिताया और अब उसको छोड़ करके मैं 40 साल की जिंदगी में परमेश्वर को जानना चाहता हूं और जानने के बाद में मैं कनान में प्रवेश करूंगा। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उद्धार को आप तीन लेवल्स पर देखिएगा। उद्धार जो मेरे पिछले जीवन का था, मेरे पिछले जीवन के पाप क्षमा हो गए। प्रेजेंट टेंस में देखिए, आज भी पाप के प्रभाव से परमेश्वर मुझको बचाता है। यीशु का लहू मुझे एक एक टेम्पटेशन से लड़ने की ताकत देता है। और इसके बाद वो फ्यूचर जब प्रभु यीशु मुझे अपने समानता में पिता के सामने इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये है उद्धार की यात्रा। अब बहुत से लोग अगर ये सोच लिए कि मैं तो बच गया, मैंने उस दिन 4 साल पहले 10 साल पहले पश्चाताप कर लिया था, लेकिन उसके बाद निकल करके 40 साल की जिंदगी में क्या किया, तो हमको पता लगता है वो आधे रास्ते में ही मर गए। मिस्र से निकलना कोई फायदे का नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना कोई फायदे का ही नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में ही मर गए, क्योंकि हमने अपने आप को अशुद्ध कर दिया। सीनै पर्वत के पास में पहुंचे, मूसा ने कहा शांत रहना, मैं परमेश्वर से बात करने जा रहा हूं, अच्छे से रहना, लेकिन नीचे गड़बड़ी हो गई, उन्होंने उसी दिन अपने आप को अशुद्ध कर दिया। आपको मालूम है अशुद्धता की जब बात की जाती है ना, तो वास्तव में शरीर के साथ जोड़ते हैं इसको, ये शरीर की अशुद्धता। और व्यभिचार के जो कार्य होते हैं ये सीधे सीधे हमारे शरीर को अशुद्ध करते हैं। और वहां पर जो प्रजा कर रही थी वो एक मूर्ति पूजा का काम था, उन्होंने मिस्र देश का एक देवता यानी कि काफ को लेकर के बना लिया, उसकी मूर्ति बना ली, सोने की मूर्ति बना ली और उसकी पूजा करने लग गए थे। उन्होंने मूर्ति पूजा किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के देवता को अपना बनाने की कोशिश की, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने अपने आप को अशुद्ध और अपवित्र कर दिया था। मनुष्य का जीवन इसी प्रकार से अगर चल रहा है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मूसा के क्रोध में हमको दिखाई देता है, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। और आप जानते हैं कि कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई जब लोगों को दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, हजारों और लाखों लोग इस प्रकार से मरे रास्ते में। परमेश्वर से बलवा किया, जिन्होंने वो मर गया, मूसा के विरुद्ध में बोलना चाहा, वे तकलीफ में आ गए। और मूसा बड़ी नम्रता पूर्वक कई बार अपने लोगों के लिए विनती करता रहा, प्रभु जी प्लीज एक बार मौका दे दो इनको, एक बार मौका दे दो, मत मारो इनको। और उस समय जिंदगी मिल गई, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। पर जो लोग पत्थर दिल के हो गए थे मिस्र से बाहर निकलने के बाद भी कनान तक नहीं पहुंचे। मैं और आप अपने आप को बड़ी आसानी से उस भीड़ में शामिल देख लेते हैं, लेकिन उस बात के मर्म को नहीं समझते, उसकी गंभीरता को नहीं समझते। क्या आज मैं अपना जीवन वैसा जी रहा हूं जैसा परमेश्वर चाहता है? वचन में मैंने पढ़ा पवित्र बनो, परमेश्वर हमसे कह रहा है। हाँ, आप कहेंगे भाई हम कैसे पवित्र बने, हम तो हो ही नहीं सकते हैं। परंतु परमेश्वर अगर हमसे कह रहा है कि हमको पवित्र बनने का है तो पवित्र बनने का है। चलिए उदाहरण से मैं बताता हूं आपको, लेकिन एक सुंदर उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगा। नादाब और अबीहू का, आपको मालूम है ये दोनों कौन थे? नादाब और अबीहू हारून के 4 बेटों में से पहले वाले 2 थे। हारून महायाजक का अभिषेक लेता है तब नादाब और अबीहू का भी याजक पद के लिए अभिषेक होता है।
अभी कितने ऑनर की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है कि परमेश्वर के पहले याजक बने और उनका पापा जो था वो महायाजक। और यदि आप दसवें अध्याय लेव व्यवस्था के दसवें अध्याय में देखो तो लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख जाकर अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और वो दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। याजक मारे गए। नो कंसेशंस। आप पास्टर के परिवार के हैं, आप पास्टर हैं, आप पास्टर की पत्नी हैं, आप प्रचारक के घरांकिल हैं, तो परमेश्वर थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कि मैं पास्टर साहब को बहुत हेल्प करता हूं, मेरे को तो वो भीड़ में शामिल करके उठा लेगा। बहुत कठिन है उस भीड़ में शामिल होना, वो पवित्र लोगों की भीड़ है। तो याजक ये ना सोचे कि मैं अगर कुछ कम ज्यादा कर दूं, कुछ शॉर्टकट लगा दूं, तो परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेगा। परमेश्वर की आज्ञा जिस प्रकार से हमें पवित्रता के लिए, मैं दोनों बातें बताना चाहूंगा कि शारीरिक रूप से भी हम अपने को शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई ना दे, तो शुद्ध रहना है, और मन और अंतर्मन आत्मा ये भी पवित्र रहना है। दो लेवल्स पे अपने आप को देखने का है, आपने जांचने का है, और शुद्ध और पवित्र रहने का है। मैं इसी से जुड़ी एक घटना और बताता हूं। अब देखिए, नादाब और अबीहू तो मर गए और इनके घराने को बोला गया, खबरदार अगर इनके इनके मैयत पे रोए आपने, ये दोनों लड़के मर गए पर तुम रोना नहीं, बिल्कुल इन्होंने गलत काम किया था और उसकी आज्ञा का पालन होता है। इसके बाद में देखिए क्या होता है, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप दसवां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पवित्रता में और शुद्धता में कैसे अंतर लाया जाता है। ये दोनों बड़े मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन अगर आप आत्मा को और शरीर को समझते हैं तो इस लेवल को भी समझ जाएंगे। अब नादाब और अबीहू के बाद में हारून के और दो बेटे हैं और वो है इतामार और एलियाजर। अब वहां पर जो अन्न बलि की भेंट है उसे वेदी के पास में लाकर के खाना, क्योंकि वो परम पवित्र हैं, परंतु जो मेल बलि की भेंटे हैं उसे शुद्ध स्थान में ले जाकर के खाना। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें कहा है तुम्हें पवित्रता के स्केल में भी कंप्लीट रहना है, और यह भी कहा कि तुम्हें शुद्धता के स्केल में भी कंप्लीट होने की जरूरत है। मैं वापस अभी प्रकाशित वाक्य के सातवें अध्याय में पहुंचता हूं। ये भीड़ जो है जिसमें मैं और आप अपने आप को अभी तक देख रहे थे, पर इतनी सब बातें सुनने के बाद लग रहा है पता नहीं मैं उस भीड़ में हूं कि नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने, इस भीड़ में जो शामिल है, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मत्ती रचि सुसमाचार के यदि पहले अध्याय को ही अगर आप खोलेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य आपको मिलेगा। ठीक है, प्रभु यीशु के जन्म का पोषण 18वें से शुरू होता है। तो देखिए, यूसुफ से बात चल रही है अभी, 21वां वचन, वह पुत्र जनेगी, यानी मरियम, कुंवारी मरियम के लिए लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम ईशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ, मरियम कुंवारी है, यूसुफ और मरियम की शादी होने वाली है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है। अब जो बच्चा होने वाला है उसका नाम भी बता दिया गया, यीशुआ, यहोशुआ, है ना, और उसके लिए बताया गया है कि जो उसके नाम का अर्थ है उद्धार, और वो इसलिए है कि वह मनुष्य जाति के लिए पापों से उद्धार करने के काम के लिए आ रहा है। यीशु के जन्म से पहले ही प्रकाशित वाक्य के सातवें अध्याय के इस 14वें वचन की बात पूरी की गई। एक और सातवां अध्याय 14वां वचन है,
यशया नबी का, वहां पर भी यशया 7:14 में आपको यही वाली भविष्यवाणी मिलेगी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी। परमेश्वर हमारे साथ, वो बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ। और लिखा है कि वह अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके श्वेत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन इसीलिए जिए और हमें बचाने के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। और यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को देख करके सारी दुनिया के सामने गवाही देता है, देख लो। और सारे लोगों ने उसकी ओर नजर किया, तब उसने कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सुसमाचार में भी वही भविष्यवाणी मिलती है जो हम आज प्रकाशित वाक्य 7:14 में देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा ये लोग शुद्ध किए जाते हैं। मैं और आप करें क्या कि इस भीड़ में शामिल हो? क्या मैं और आप कुछ कर सकते हैं? उद्धार का काम तो परमेश्वर ने कर दिया। इफिसियों का 2 अध्याय आप लोगों को याद होगा, 8वां वचन, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है परन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, 9वां वचन ध्यान से सुने, कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मेरा उद्धार मेरे किसी कर्म के कारण नहीं हो रहा। मैं प्रचार किया करता था लॉकडाउन के दिनों में, वेडनेसडे को बाइबल स्टडी क्लास लिया करता था, इस क्वालिफिकेशन को लेकर के जाऊं तो पाऊंगा, वो तो परमेश्वर ने वहां पर उद्धार की बातों में नोट ही नहीं किया है। मेरे कोई कर्म के कारण, मैं बहुत बड़ा दान किया इन दिनों में, मैंने इसको 1000 दिया, उसको 2000 दिया, उसको 50000 दिया, ये सब गिनती के नहीं है। मेरे किसी कर्म के कारण मेरा उद्धार नहीं होता। पापों से उद्धार केवल लहू के द्वारा होता है। इब्रानियों के 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में इस बात को ज्यादा स्पष्ट रीति से बताया गया है। पापों से जो छुटकारा है, पापों की जो क्षमा है, वो केवल मेमने के लहू के द्वारा होती है, जिसकी तस्वीर हम लोग फसह के पर में, फिर एक बार अगर पुराने नियम में जाए वहां वो दिखाई देती है। जब वो लहू बहा और वो लहू का चिन्ह उनके ऊपर लगाया गया, उनके दरवाजों के किवाड़ों के ऊपर और दाएं बाएं अलंगों पर लगाया गया, तब उन्हें जीवन प्राप्त हुआ, तब उन्हें मिस्र से छुटकारा मिल पाया, तब उनको जिंदगी मिल पाई मिस्र से बाहर निकलने की, कनान पहुंचने की नहीं। फिर से बता रहा हूं, मिस्र से निकलने के लिए लहू जरूरी था। तो फिर कनान पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? बहुत सही प्रश्न है। मिस्र से निकलने के लिए लहू जरूरी है। पापों की क्षमा की बात अगर हम करते हैं तो लहू जरूरी है, लेकिन कनान तक कैसे पहुंचूंगा मैं? परमेश्वर ने उस बात को भी वचन में लिखा है और उसका प्रबंध करके रखा है। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में आइए, 13वां अध्याय और 22 और 23वां वचन, 24 भी पढ़ सकते हैं। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था और किसी ने उससे पूछा, देखिए प्रश्न क्या है, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े से ही हैं? बड़े डर डर के पूछा होगा ये व्यक्ति ने। वो पूछना चाह रहा हूँ मैं स्वर्ग आ सकता हूं कि नहीं। मैं और आप भी यही पूछ रहे हैं परमेश्वर से, आज आपका आना कितना निकट हो गया है, पर क्या मैं उस भीड़ में हूं जो आपके सामने पहुंच गई? हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार, कठिन वाला मार्ग, प्रभु यीशु ने जो मार्ग बताया है वो वाला जो मार्ग है, उस पर से चलने का, जो पगडंडी है जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। हाईवे पर तो बहुत लोग चलते हैं, हाईवे पर तो दनादन गाड़ियां भागती हैं, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाली पगडंडी है,
दो चार लोग जब चलते हैं वहां की घास थोड़ी सूख जाती है और एक पतला सा रास्ता जंगलों के बीच से नजर आता है, सकेत रास्ता है। और क्या लिखा है कि उस रास्ते में प्रवेश करने का यत्न करो। यत्न करो का मतलब है यू विल हैव टू स्ट्राइव हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे प्रवेश मिल सकता है, प्रभु ने मेरे लिए प्रवेश द्वार खुला रखा है, पर चल करके तो मुझको ही जाना है। मिस्र देश से निकाल करके परमेश्वर ने उनको ऐसे बादल पर उठा करके कनान में ला करके नहीं रखा, चल करके जाना है। यह रास्ता जो है मरुस्थल का रास्ता है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। दिन के समय बादल बनकर छांव दे रहा, रात के समय आग का खंभा बनकर के उजाला और रोशनी और गर्मी प्रदान कर रहा, सब संभाल रहा है। 40 साल परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर को छोड़ देगा वो कनान तक नहीं पहुंचेगा। मेरे और आपके लिए अब तक का सफर पता नहीं कैसा रहा, लेकिन आज हम प्रभु का हाथ थाम ले, उस ढांकने वाले बादल की छाया के नीचे आ जाएं और उस अग्नि के खंबे के उजाले में चलते रहें। और यदि हम इस रीति से चलते हैं तो हम जरूर सकेत द्वार से प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं, फिलिपियों का 4वां अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं उस बड़ी भीड़ में शामिल होने के लिए क्वालिफाई होता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझे जो यत्न करने के लिए कहा गया है, मुझे जो लंबा रास्ता तय करना है वो कहा गया है, क्या मैं कर पाऊंगा? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा, इतना ही वचन है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस मी। परंतु 4:13 की बजाय 2:13 भी आना चाहिए, या 2:12 भी देख लेते हैं, फिलिपियों 2:12 और 13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार गिफ्ट है, सैल्वेशन गिफ्ट है, आई डोंट अर्न इट। वो परमेश्वर का गिफ्ट है जो मुझे मिलता है, पर अगर मैं उस गिफ्ट को लेना चाहूं तो कम से कम हाथ भी तो ऐसे सामने करना जरूरी है। कुछ तो है जो मुझे करना होगा। जी हां, मुझे आज यही क्रिया है जो करना है। मैं अपने हाथों को फैला के परमेश्वर के सामने रखूंगा और लूंगा। और क्या लेना है मुझे मालूम है? क्या लेना है? मिस्र से निकलते समय लहू ने मुझको निकाल दिया, लेकिन अब ये प्रेजेंट टेंस में मरुस्थल में से जिंदगी गुजर रही है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोगों के परिवारों को जानता हूं, उनके जीवन को जानता हूं, आप लोगों के आंसुओं को जानता हूं, आप लोगों के स्ट्रगल को जानता हूं। ये मरुस्थल की जिंदगी मालूम पड़ती है, तपती रेत पर चलना मालूम होता है। लेकिन इसके लिए भी हमारे परमेश्वर ने प्रबंध किया है। जिस रीति से परमेश्वर बादल और आग में साथ साथ रहता था, कभी नहीं छोड़ता था, कभी नहीं त्यागता था, उसी परमेश्वर ने हमें इस जिंदगी को जीने के लिए हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है। और यदि हम पवित्र आत्मा, सहायक पवित्र आत्मा, सिखाने वाला पवित्र आत्मा, याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर से पहचान कराने वाला पवित्र आत्मा, यदि उसको लेकर के चलते हैं तो बेशक हम उस भीड़ में आगे शामिल हो सकते हैं। अगले सप्ताह हम लोगों के मनन का विषय रहेगा कि पवित्र आत्मा किस रीति से हमारी सहायता करता है कि हम इस मरुस्थल के रास्ते को तय कर सकते हैं, ताकि हम उस भीड़ में गिने जाएं, शामिल हो जाएं जो अनगिनत है, जो यीशु के लहू से धुल करके श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। उस अनगिनत की भीड़ में प्रभु हमें उठा ले।
आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर शाम में प्रभु जी बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। और प्रेमी परमेश्वर पिता, हमने जाना कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश को यों ही ना ले लें, खेल खेल में ना ले लें, क्योंकि बेहद कठिन है सकेत द्वार से प्रवेश करना। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज मैं अपने आप को और मेरे साथ में प्रार्थना और वचन में प्रभु जितने भी प्रियजन जुड़े और इनके परिवारों को और इनके घर के बच्चों को और मासूम बच्चों को और बड़ों को और बुजुर्गों को और जो किसी कारण से आज नहीं जुड़ पाए, प्रभु उन प्रियजनों को भी प्रभु जी आपके सामने लेकर के आते हैं। और हम गिड़गिड़ा करके विनती करते हैं, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के क्रूस पर के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं और हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके आने के दिन तक हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आप हमें अपने पास खड़ा रखना चाहते हैं और इसलिए आप चाहते हैं कि हम पवित्र रहें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस सप्ताह भर में आपके वचनों पर मनन करते रहें और अगले सप्ताह जब हम इसी विषय पर कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि हम एक जयवंत जीवन वर्तमान काल में जिएं, ताकि हम उद्धार की इस दूसरी सीढ़ी पर भी पांव रख के तीसरे उस नए यरूशलेम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सामने उसका जय जयकार करने के लिए और उसकी पवित्रता का गीत गाने के लिए हमेशा उपस्थित रहें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम अपने आप को आपके सुरक्षित और पवित्र हाथों में देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक बात के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिलती रहे। आप बढ़ते जाइए प्रभु और हम कम होते जाते हैं। सारा आदर और महिमा और गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन।